सुधर जाओ, तुम कभी नहीं सुधरोगे, सुधरने का क्या लोगे, अब मैं सुधर गया हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, मैंड प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वेज। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि योर, माई, हिज, हर, देयर, आवर, ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। डोंट वरी, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे। सुधर जाओ, मैंड योर वेज, मैंड योर वेज। वो सुधरने को तैयार ही नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू मैंड हिज वेज, ही इज नॉट रेडी टू मैंड हिज वेज। सुधरने का क्या लोगे तुम, वट विल यू टेक टू मैंड योर वेज, वट विल यू टेक टू मैंड योर वेज। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर मैंड योर वेज, यू विल नेवर मैंड योर वेज। अब मैं सुधर गया हूं, आई हैव मैंडेड माई वेज नाउ, आई हैव मैंडेड माई वेज नाउ। सो गाइज, हमेशा की तरह अब होमवर्क की बारी, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। वो सुधर जाएगा, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है, देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।